लोग की कोशिश ये है कि हम जो आपके जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसे अभी आपकी मैम बता रही थी शुरू में कि हम यहाँ पे कथक के बारे में बात करेंगे, तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में अलग अलग, उनके बारे में हम बात करते हैं, शास्त्रीय गायन के बारे में बात करते हैं, और भी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि आपके जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको उन कलाओं के बारे में, जो उन कलाओं की ABCD है, जैसे आप इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में कखा गगा पढ़ते हैं, वैसे ही संगीत की ABCD, डांस की ABCD आपको बताई जा सके, ताकि आप भले ही एक दिन में देख के सीख ना पाएं, लेकिन एक दिन में देख कर ये जान जाएं कि वो डांस फॉर्म होता क्या है। और सबसे पहले ताली बजाते हैं रिचा जी के लिए, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में कथक का प्रचार प्रसार करने के लिए जा चुकी हैं, कार्यक्रम कर चुकी हैं, और हमारे अनुरोध पर आप जैसे बच्चों के बीच आती हैं, क्योंकि इन्हें भी आप लोग को बताकर ही कथक क्या है अच्छा लगता है, और इन्हें भी समझ में आता है कि अगर आप जैसे बच्चों तक इनकी बात पहुंचेगी तो वो कितना कथक के लिए कितनी अच्छी बात है, कथक के लिए कितने हित की बात है। तो एक बार फिर से आप सब बच्चों का से माफ़ी कि हम देरी से शुरू कर रहे हैं, आपके स्कूल का धन्यवाद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का धन्यवाद, और हम कार्यक्रम बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। Suprabhat and a very good morning to the students and the teachers. आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और रागगिरी की तरफ से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कथक नृत्य की प्रस्तुति देने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और हमारे भारत में तकरीबन 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से कोई बता सकता है? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी और सत्रिय। ये सारे ही 8 नृत्यों के जिनके मैंने नाम लिए ये शास्त्रीय नृत्य की नृत्य कहलाते हैं। तो बच्चों ये अभी आपने कथक डांस देखा, मजा आया। अब ये क्लास है थिएटर की। अब थिएटर मींस क्या है? रंगमंच। कई लोग बहुत कंफ्यूज, मैं बहुत स्कूलों में गया हूँ तो बच्चे बोले थिएटर जहाँ सिनेमा चलता है उसको भी थिएटर बोलते हैं, लेकिन इसने सही बताया, आप लोगों ने भी सही बताया है कि जहाँ पर रंगमंच मतलब जीवंत नाटक का मंचन किया जाए आपके सामने, है ना, तो उसको हम थिएटर बोलते हैं और रंगमंच बोलते हैं हिंदी में, कि मैं रंगमंच करता हूँ यानी मैं रंग कर्मी हूँ, ऐसा मंच जहाँ पर जीवन के कई रंग दिखाए जाए, है ना, तो वो रंगमंच है। फोर। अभी किसका कॉन्सेंट्रेशन वीक था? आपका नाम क्या है? आकाश। अरे वो किसका था ना? अब नहीं करेगा ये, अब पूरे कॉन्सेंट्रेशन से काम करेगा, ठीक है आकाश? टेन, उठ जाओ। टेन, टेन मतलब फिर से मूव करना है, टेन मतलब चलने लगना है। सेवन, वेरी गुड, क्या बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन है, बढ़िया सर। अलग अलग, अब पूरा अलग ना, यही हमारा जीरो वेस्ट का मंत्र है। हरे में गीला, नीले में सूखा, लाल में घरेलू, हरे में कच्चा। हाउ टू जोश, आई सर। 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 धन्यवाद। बहुत ही अच्छा नाटक था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चे उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हुए और उन्होंने उसे बहुत अच्छा इन्जॉय किया।